क्या आपको पता है धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, पोलर बियर। वैसे तो सारे बियर बड़े होते हैं, लेकिन पोलर बियर अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा बियर है। पोलर बियर की लंबाई 6 से 10 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 400 से 700 केजी तक हो सकता है। ये मोटे भालू ज़्यादातर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं। अगर बात करें इनके भागने की, तो ये मोटे होने के बावजूद पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और ज़मीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ सकते हैं। और रुको, एक और ख़ास बात, ये पूरे दिन पानी में तैर सकते हैं। पोलर बियर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने पूरे जीवन का आधा समय शिकार करने में गवा देते हैं, क्योंकि शिकार करने में 100 में से 2 बार ही सफल होते हैं। नंबर 2, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक बहुत बड़ा और बहुत डरावना जानवर है, जो लगभग 17 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। इनके बड़े दांत और बड़े साइज की वजह से ये बफेलो, शार्क और पानी पीने आए ऐसे जानवर का शिकार करते हैं जो इनके हत्थे चढ़ जाए। ये किसी भी दूसरे साइज के जानवर के शिकार करने पर ध्यान नहीं देते। इनका बाइट फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि किसी की भी हड्डी तोड़ दें। नंबर 3, जिराफ। दुनिया के सबसे बड़े जानवर की बात की जाए और जिराफ का नाम ना लिया जाए, ये तो गलत बात है। सभी जानते हैं कि जिराफ इतना लंबा होता है कि इसके आगे कितना भी ताकतवर जानवर हो, कमज़ोर ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइज का अपने दुश्मन पर फर्क तो पड़ता है। बात करें जिराफ की ऊंचाई की, तो ये 19 फीट लंबे हो सकते हैं, जिसमें 6 फीट की इनकी लंबी गर्दन होती है। जब एक जिराफ जन्म देता है, तो उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट होती है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जिराफ लंबाई में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र इनका मूल निवास माना जाता है। लंबे होने के साथ ये ताकतवर भी होते हैं। इनकी टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि ये एक जोरदार लात शेर को मार दे, तो शेर को अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।